सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स और गर्म तासीर वाली जो चीजें होती हैं वो बहुत ही फायदा करती हैं, और इस मौसम में ये सारी चीजें खाने में बहुत ही बढ़िया भी लगती हैं। और यही सही मौसम और टाइम होता है गुड़ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने का। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेहा की पाकशाला में। और आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों में खाई जाने वाली सर्दियों की स्पेशल ड्राई फ्रूट कतली, यानी कि ड्राई फ्रूट बर्फी, वो भी बिना चीनी के। और ये जो बर्फी है ना, ये जच्चा यानी कि न्यू मदर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो आप इसको न्यू मदर के लिए भी बना करके तैयार कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम कुछ मसाले भूनेंगे। तो पैन में हम डालेंगे 2.5 टेबल स्पून साबुत सौंफ, 2 टेबल स्पून जीरा, 2 टेबल स्पून अजवाइन और 1 टी स्पून मेथी दाना। अभी हमें गैस को ऑन करके एकदम लो फ्लेम पे रखना है और बीच बीच में चलाते हुए मसालों को हल्का सा भून लेना है। तो ये जो सारे मसाले हैं, इनको हमें भून करके और पीस करके ड्राई फ्रूट बर्फी में डालने हैं। हल्का सा भून करके जब हम इन मसालों को बर्फी में डालेंगे ना, तो इनका फ्लेवर जो है वो ज्यादा अच्छा आएगा। तो ये जो सारे मसाले हैं, ये हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा गर्मी देते हैं और सर्दी से भी बचाते हैं। और सौंफ जो है, इससे डाइजेशन अच्छा रहता है, डाइजेशन इम्प्रूव रहता है। और ये जो सारे मसाले हैं, ये जच्चा यानी कि न्यू मदर को भी बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं। और अगर आप ये ड्राई फ्रूट बर्फी स्पेशली जच्चा के लिए बना रहे हैं, यानी कि न्यू मदर के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें छोटी पीपर, पीपरा मूल और सतावर भी डाल सकते हैं। इनको हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना ही भूनना है कि इनका मॉइस्चर खत्म हो जाए और इनसे हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे। तो ये हल्के से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है इसमें से। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन मसालों को ठंडा होने देंगे। अभी एक मिक्सर जार ले लेंगे और ये मैंने एक मीडियम साइज के जायफल को छोटा छोटा तोड़कर रखा है, जिससे कि इजीली ग्राइंड हो जाएगा। इसको डाल देंगे मिक्सर जार में और ये जो मसाले हमने भुने थे वो ठंडे हो चुके हैं, तो इनको भी हमें डाल देना है इसमें। और अब इन सारे मसालों को हमें एकदम अच्छे से पीस लेना है, एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। तो ये जो सारे मसाले हैं, इनको हमने ग्राइंड करके एकदम फाइन पाउडर बना लिया है और अभी हम इनको अलग रख देते हैं। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स भूनेंगे। तो पैन में हम 3/4 कप घी डालेंगे और घी को हमें मीडियम फ्लेम पे हल्का सा गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा घी को गर्म नहीं करेंगे, वरना ड्राई फ्रूट्स इसमें डालते ही जल जाएंगे। तो अभी जो घी है वो गर्म हो चुका है, हमने घी को हल्का गर्म किया है और अभी हम गैस को मीडियम लो कर लेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर ही सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें भूनना है। ये है मेरे पास 100 ग्राम काजू, तो इनको हम घी में डाल देंगे और इनको हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। तो जो काजू है वो फ्राई हो गए हैं, इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो अभी हम इनको एक थाली में निकाल लेते हैं। ये मैंने लिए हैं 100 ग्राम बादाम, इनको भी घी में डाल करके हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें फ्राई कर लेना है। तो जो बादाम है वो भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हमें घी में से निकाल करके अलग रख लेना है। ये है 100 ग्राम अखरोट, इनको भी हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इनकी तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है और ये बहुत ही फायदा करते हैं, स्पेशली सर्दियों के मौसम में। तो अखरोट जो है वो भी बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम घी में से निकाल लेते हैं। ये है मेरे पास 100 ग्राम नारियल, इसको भी हमें घी में डाल करके हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। नारियल के सूखे गोले को मैंने लंबा लंबा काट करके लिया है। आपके पास अगर सूखा नारियल का गोला नहीं है तो आप नारियल के बुरादे को ड्राई रोस्ट करके भी इस बर्फी में डाल सकते हैं। तो नारियल जो है वो भी फ्राई हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, तो इसको भी हम थाली में निकाल लेते हैं। ये मैंने ली है 50 ग्राम किशमिश, इनको भी फ्राई करेंगे। किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है और अभी आप देख सकते हैं कि किशमिश पूरी फूल गई है, मतलब कि ये फ्राई हो चुकी है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक अलग बोल में। ये है मेरे पास 200 ग्राम गोंद, तो थोड़ा थोड़ा करके हम गोंद को फ्राई कर लेंगे घी में। गोंद फूलता है इसलिए एक साथ ज़्यादा गोंद न डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करें। एक साथ ज़्यादा गोंद डाल देने से वो अच्छे से नहीं सकेगा और कच्चा रह जाएगा। गोंद को भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि पैन में एकदम थोड़ा सा घी रह गया है। तो अभी ये मेरे पास 30 ग्राम खरबूजे के बीज हैं, इसी घी में हम इनको सेक लेंगे। इनको सेकने के लिए ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम घी में ये बहुत ही बढ़िया से सिक जाते हैं।
तो अभी ये जो खरबूजे के बीज हैं ये चटकने लगे हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है और अभी ये बढ़िया से सिक चुके हैं, तो इनको एक अलग बोल में निकाल लेते हैं। ये है मेरे पास 30 ग्राम खसखस, इसको भी हम पैन में डाल करके सेक लेंगे, 2 मिनट में ही ये सिक जाएगी और इसको सेकने के लिए हमें अलग से घी डालने की जरूरत नहीं है। तो जो खसखस है वो भी अच्छे से सिक चुकी है, इसको भी हम एक अलग बोल में निकाल लेते हैं। अब सेम पैन में हम 2 चम्मच घी डाल करके हल्का सा गरम कर लेंगे। घी पूरा मेल्ट हो चुका है और हल्का सा गरम भी हो गया है। तो ये है मेरे पास 100 ग्राम मखाने, इनको हमें बीच बीच में चलाते हुए क्रिस्पी होने तक भून लेना है। मखानों को बहुत ज़्यादा घी में न भूने, कम घी में ही ये अच्छे से भून जाते हैं। ज़्यादा घी में अगर आप मखानों को भूनेंगे तो उनका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो जो मखाने हैं वो भून गए हैं, बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं, तो इनको चेक करने के लिए आप इस तरह से इनको तोड़ेंगे तो ये इजिली टूट जाएंगे, मतलब कि ये भून चुके हैं अच्छे से। तो अभी हम गैस को ऑफ करेंगे और मखानों को निकाल लेंगे। ये हमने जो काजू, बादाम, अखरोट और नारियल फ्राई किए थे ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, तो अभी एक मिक्सर जार में हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। अब इनको हमें दरदरा ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमने ड्राई फ्रूट्स को दरदरा ग्राइंड कर लिया है, छोटे छोटे चंक्स हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स के, और जो नारियल है उसको मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा रखा है। ये इस तरह से खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और अगर आपको इसको छोटा छोटा एकदम करना है तो आप थोड़ा सा मिक्सर को और चलाएंगे तो ये थोड़ा सा और छोटा छोटा हो जाएगा। तो अभी एक बड़ा साइज का बोल ले लेंगे और उसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने ग्राइंड किए हैं उनको निकाल लेंगे। सेम मिक्सर जार में अब हम भुने हुए मखाने डालेंगे और मखानों को हमें 2 बार में दरदरा ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि ये क्वांटिटी में थोड़े ज्यादा है तो 2 बार में हम इनको ग्राइंड कर पाएंगे। तो जो मखाने हैं वो दरदरे ग्राइंड हो गए हैं, तो इनको भी हम इसी बोल में निकाल लेते हैं। और जो बाकी के बचे हुए मखाने हैं उनको भी हमें दरदरा ग्राइंड कर लेना है और फिर इसी बोल में निकाल लेना है। अब इसी मिक्सर जार में हमने जो गोंद फ्राई किया था उसको भी क्रश कर लेंगे। तो गोंद को हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, तो इसको भी हम इसी बोल में निकाल लेते हैं। बाकी का जो बचा हुआ गोंद है उसको भी हम मिक्सर जार में डाल करके क्रश कर लेते हैं। तो ये जो बाकी का बचा हुआ गोंद था उसको भी हमने क्रश कर लिया है, इसको भी हम बोल में निकाल लेते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने ग्राइंड कर लिया है, इनको भी अभी हमें अलग रख देना है। अब हमें इस बर्फी में डालने के लिए हल्दी को भूनना है और ये मैंने 3 टेबल स्पून हल्दी ली है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है हल्दी का। एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालना है वरना जो हल्दी का पेस्ट है वो पतला हो जाएगा, तो जो हल्दी है वो अच्छे से नहीं भुनेगी। तो अभी देखिए हल्दी का हमने इस तरह से गाढ़ा पेस्ट बना लिया है। अब हमें इस हल्दी को भून लेना है। तो पैन में हम 3 चम्मच घी डालेंगे और घी को मीडियम लो फ्लेम पे हल्का सा गरम कर लेना है, बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है। अब घी जो है वो पूरा मेल्ट हो चुका है और हल्का सा गरम भी हो गया है, तो हल्दी के पेस्ट को हम पूरा डाल देंगे घी में। अब इस हल्दी को हम घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर लगातार चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पे हमें इसको भून लेना है। हल्दी जब भून जाएगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और घी भी उससे सेपरेट होने लगेगा। हल्दी तो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, इससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टअप होती है और बहुत ही सारे मेडिसिनल यूज हैं इसके। इसमें बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी हैं। और इस तरीके से भून करके जब हम हल्दी को बर्फी में डालेंगे तो जो हल्दी का स्वाद है वो ज्यादा अच्छा आएगा और हल्दी का कच्चापन भी खत्म हो जाता है भून लेने से, इसलिए हम हल्दी को भून करके इस बर्फी में डाल रहे हैं। तो जो हल्दी है वो भुन गई है अच्छे से, आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है और घी भी इससे सेपरेट होने लगा है। तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है और इसको भी अभी हम अलग रख देंगे। अब एक बड़े साइज के पैन में हम 2 केजी गुड़ डालेंगे। गुड़ को हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है जिससे कि वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो मीडियम लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए हमें गुड़ को पूरा मेल्ट कर लेना है। गुड़ का जो इस्तेमाल है वो सर्दियों में सबसे ज्यादा होता है और चीनी की जगह पर अगर हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो सर्दी जुकाम से बचाव होता है और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, यानी कि गुड़ को रोजाना खाने से हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। गुड़ में विटामिन ए और बी होता है, सुक्रोज, ग्लूकोज, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होता है। गुड़ खाने से एसिडिटी से छुटकारा मिलता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है,
कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती है। और जो गुड़ है उसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो अगर आपका जो होमोग्लोबिन है वो बार बार डाउन हो जाता है या फिर आपको एनीमिया की शिकायत रहती है तो आपको डेली गुड़ खाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। और गुड़ का रोज़ाना इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, स्पेशली जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स होते हैं उनको ज़रूर गुड़ खाना चाहिए रोज़ाना। गुड़ अभी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है, तो अभी इस स्टेज पर हम इसमें एक चम्मच भर करके घी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि गुड़ में बढ़िया शाइन आएगी और वो जलेगा भी नहीं। तो अभी देखिए घी मिक्स करने के बाद कितनी बढ़िया शाइन आ गई है गुड़ में। गुड़ जो है वो अब पूरा मेल्ट हो गया है, तो अभी हमें गैस को एकदम लो फ्लेम पे कर देना है। जो हमने मसाले पीसे थे वो हम इसमें डाल देंगे, साथ ही में 200 ग्राम सौंठ है मेरे पास, ये डाल देंगे इसमें। अभी मिक्स कर लेंगे पहले इनको, एक साथ सारी चीजें नहीं डालेंगे वरना मिक्स करने में मुश्किल होगी। तो थोड़ा थोड़ा सामान गुड़ में डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। सौंठ का जो फ्लेवर होता है वो गुड़ के साथ में बहुत ही बढ़िया लगता है और सर्दियों में तो सौंठ बहुत फायदा भी करती है। तो जो हल्दी भुनी थी वो भी अब इसमें डाल देंगे। हल्दी को भी मिक्स कर लेंगे इसमें अच्छे से। अब डालेंगे इसमें हम ये भुनी हुई खसखस, किशमिश डाल देंगे, खरबूजे के बीज भी साथ ही में डाल देंगे। अब इनको मिक्स कर लेते हैं पहले। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने ग्राइंड किए थे वो थोड़े थोड़े करके हम इसमें डालते जाएंगे और साथ ही साथ मिक्स करते जाएंगे। तो अभी सारे ड्राई फ्रूट्स, हल्दी और मसाले वगैरह हमने मिक्स कर लिए हैं गुड़ में बढ़िया से, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। खूब सारे ड्राई फ्रूट्स और घी आपको इसमें नजर आ रहा है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। ये मैंने एक बड़े साइज की ट्रे ली है, इस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है और घी से उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो इस ट्रे पर हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते जाएंगे और फिर हाथ से इस तरीके से अच्छे से दबा दबा कर उसको स्प्रेड करते जाएंगे और लेवल करते जाएंगे। तो अभी देखिए पूरे मिक्सचर को मैंने ट्रे में अच्छे से दबा दबा कर स्प्रेड कर लिया है, बढ़िया से लेवल कर दिया है, और अभी भी ये हल्का हल्का गर्म है। तो अभी गर्म गर्म में ही हम नाइफ से इसमें कट्स लगा देंगे, जिससे कि इसके पीसेस जो है बड़ी आसानी से और अच्छे से निकल आएंगे। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा पीस तोड़ करके दिखा रही हूं, तो देखिए कितना सॉफ्ट है ये, और अभी ये हल्का सा गर्म है लेकिन ठंडे होने के बाद भी ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा, आप इसको इजिली खा पाएंगे और ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट रहेगा। तो अभी साइड्स के जो छोटे छोटे पीसेस है ना उनको पहले हम हटा लेते हैं और फिर उसके बाद हल्के से उठा करके इस तरह से हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने आराम से और कितने बढ़िया इसके पीसेस निकल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन हमारी ये ड्राई फ्रूट बर्फी बनी है और सर्दियों के मौसम में ये बहुत ही फायदा करती है, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। और जच्चा यानी कि न्यू मदर को भी आप इसको इजिली बना करके दे सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो सर्दियों में खाई जाने वाली सर्दियों की स्पेशल इस ड्राई फ्रूट बर्फी यानी कि ड्राई फ्रूट कतली को आप जरूर बना करके ट्राई कीजिए और फिर अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।